पुलिस पब्लिक एसोसिएशन हमीरपुर ने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद की अगुवाई में डांग क्वाली और डीसी कार्यालय के पास दोपहर बाद न केवल लोगों को जागरूक किया गया बल्कि सीट बेल्ट और हेलमेट न लगाए जाने की सूरत में चलान भी किया गया। पीपी के जागरूकता अभियान के दौरान काफी लोगों को मौके पर सीट बेल्ट लगाने के लिए भी कहा ताकि दुर्घटना को रोका जा सके। एसआई पूजा ने बताया कि पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के अभियान के साथ पुलिस ने भी साथ दिया है और पीपीए के सदस्यों का यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अहम रोल रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान न केवल पीपीए सदस्यों ने लोगों को जागरूक किया है बल्कि न मानने वालों के चलान भी पुलिस ने किए हैं। पीपीए के जितने भी सदस्य थे उन्होंने हमारा पुलिस का बड़ा सहयोग किया, जैसे कि हमीरपुर में मैक्सिमम एक्सीडेंट हो रहे हैं विदाउट सीट बेल्ट हो रहे हैं और विदाउट आपके हेलमेट के, राज्य के जितने भी नवी हो गए विदाउट हेलमेट के दौड़े रहते हैं, जिस वजह से मतलब इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आज पीपीए के जितने भी सदस्य हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, हमने बहुत से चलान किए हैं और सबको हमने हिदायत दी है ताकि वो आइंदा से सीट बेल्ट पहने और अपना हेलमेट पहने जो कि बहुत ही कंपल्सरी है। पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद ने बताया कि पुलिस पब्लिक एसोसिएशन की मासिक बैठक में निर्णय लिया गया था, इसके बाद ही पीपीए सदस्यों ने पुलिस के साथ यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने के साथ साथ इनकी अवहेलना करने वालों को भी ऐसा न करने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर वाहन चालकों के द्वारा सीट बेल्ट न लगाने पर चलान किए गए हैं, इसके साथ ही बिना हेलमेट लगाने पर युवाओं को सख्त हिदायत देकर छोड़ा गया है। पीपीए महासचिव राजीव पुरी ने कहा कि लोगों को सड़क पर नियमों का पालन करने की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि पीपीए के द्वारा समय समय पर इस तरह के अभियान किए जाएंगे और आगामी दिनों में भी यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अभियान जारी रहेगा। सीट बेल्ट और हेलमेट के बारे में, इसके बारे में आज हमें पूरा काम किया। क्या किया पीपीए के मेंबरों ने पुलिस के साथ मिलकर? सीट बेल्ट के बारे में और हेलमेट के बारे में लोगों को बताया और चलान भी किया और ये हमारा अभियान चलता रहेगा। मुख्य व्यक्ति में ज्यादा क्या कमियां पाई थी वाहन चालकों में? एक तो हेलमेट हुआ तो ठीक है, लेकिन जो सीट बेल्ट है वो कोई लगा पाए, इस करके हमने सीट बेल्ट के बारे में आज जागरूक किया और मतलब इसमें चलान किया। ऐसा है कि पिछले बार हमारे जंगल हाउस मीटिंग में ये सर्वसम्मति से ये बात को पारित किया गया था कि हम महीने में 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को हम लोग ऐसा अभियान चलाएंगे जिसमें हम यातायात को लेके, नशे को लेके, इन सब चीज़ों को लेके हम पब्लिक को अवेयर करेंगे और एक सख्त कार्रवाई के रूप में पुलिस के साथ हम लोग मिलकर काम करेंगे। आज का दिन बहुत अच्छी शुरुआत रही इस बार हमारी। हमारा यही मानना है कि हम सब बहुत ही शांति से यातायात को अच्छी तरह से चला के रखें, सबके सब अपना हेलमेट पहनकर चलाएं, सीट बेल्ट यूज करें और रैश ड्राइविंग से बचें। आपको बता दें कि पीपीए एक ऐसी समाज संस्था है जो कि पिछले एक दशक से पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हुई है और क्राइम से लेकर जागरूकता फैलाने तक पीपीए के जिला भर में सैकड़ों सदस्य काम कर रहे हैं और पुलिस का सहयोग कर रहे हैं।